नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत आज फर्जीवाड़े से। जी, ये फर्जीवाड़ी और किसी का नहीं, एक सांसद का है। बैतूल की सांसद ज्योति दुर्वे आदिवासी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट आदिवासी का। और हाईकोर्ट ने कमेटी बैठाई, कमेटी ने आज रिपोर्ट दे दी, कहा प्रमाण पत्र फर्जी। मेरा ये आरोप था कि ये जो सर्टिफिकेट दिया उन्हें, जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का, वो नियमानुसार नहीं था और फर्जी था। मतलब मेरा स्टैंड क्या, मैं चाह रहा था जो कि मतलब इसका सर्टिफिकेट निरस्त होना चाहिए, बस वही चाहता हूँ। निरस्त हो गया होना चाहिए, अभी तो आदेश हुए हैं। निरस्त होने का ऑर्डर हो गया है अभी। हाँ, छान क्या मांग करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो वो आरक्षण पे लड़ नहीं सकेगी चुनाव। सीट आरक्षित एससी एसटी के तहत और खासतौर से आदिवासी, खुद को बताया ज्योति दुर्वे ने, सांसद हैं और प्रमाण पत्र ही फर्जी पाया गया। फैसला हाईकोर्ट करेगा और उसके बाद मसला दिल्ली तक आएगा, उसके बाद संसद के भीतर भी यह मसला उठाया जाएगा। लेकिन बहरहाल शुरुआत आज कर रहे हैं। दरअसल इस बात का जिक्र बार बार होता है कि आंदोलन से निकली पार्टी, जिक्र आम आदमी पार्टी का है। तो आज पहली रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश की जाए, कुमार विश्वास बड़े, केजरीवाल बड़े या फिर जन विश्वास बड़ा होता है। तो क्या केजरीवाल विश्वास के बीच दरार की वजह सिर्फ अमानतुल्ला थे और अब अमातुल्ला को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या केजरीवाल का विश्वास कुमार पर लौट आया या फिर कुमार के भीतर केजरीवाल को लेकर विश्वास जाग गया? अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्ला खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है। तो पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी जो फैसला करती है बेहतरी करती है। तो सिसोदिया के साथ खड़े होकर कुमार विश्वास ने अपना विश्वास आप में लौटाते हुए दिखाया जरूर, लेकिन आपके भीतर का संकट ना तो अमानतुल्ला है, ना ही कुमार विश्वास का गुस्सा है, ना ही केजरीवाल की लीडरशिप है और ना ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर का तीन संकट है। पहला, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है वही आंदोलन है। दूसरा, आंदोलन की तर्ज पर गवर्नेंस चलाने की इच्छा है। और तीसरा, चुनावी जीत के लिए पार्टी संगठन का ताना बाना बुनना है। यानी करप्शन और आंदोलन की बात कहते कहते कुमार विश्वास राजस्थान के प्रभारी बनकर महत्व पा गए। कुमार विश्वास को और सक्रियता देने के लिए राजस्थान का प्रभारी पीएससी की तरफ से नियुक्त किया गया। यानी पारंपरिक राजनीतिक दल के पारंपरिक प्रभावी नेता का तमगा आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास के साथ भी जुड़ गया। तो क्या आने वाले वक्त में कुमार विश्वास की अगुवाई में आम आदमी पार्टी राजस्थान जीत लेगी? यकीनन इस सवाल को दिल्ली के बाद ना तो पंजाब में मथा गया, ना गोवा में मथा गया और ना ही राजस्थान समेत किसी भी दूसरे राज्य में मथा जा रहा है। चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है वही आंदोलन है, तो चुनाव को भी आम आदमी पार्टी आंदोलन की तरह ना मानकर पारंपरिक लीग को ही अपना रही है। तो बड़ा सवाल, जनता डुप्लीकेट को क्यों जिताएगी? किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि ये किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। और दिल्ली चुनाव के वक्त को याद कीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम देश भर में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ लहराया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसलिए जीत गई क्योंकि चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आम जनता लड़ रही थी और आम जनता के भीतर पारंपरिक बीजेपी कांग्रेस को लेकर कई सवाल थे। यानी अब आम आदमी पार्टी में ठहराव आ गया, चुनावी जीत की रणनीति को ही जन नीति मान लिया गया, सिस्टम से लड़ते हुए दिखना ही सिस्टम बदलने की कवायद मान लिया गया। तो याद कीजिए आंदोलन की इस तस्वीर को। आम आदमी पार्टी के नेता जनता को रामलीला मैदान में बुला नहीं रहे थे, बल्कि खुद ब खुद रामलीला मैदान में जनता पहुंच रही थी। यानी आंदोलन से विकल्प पैदा हो सकता है ये जनता ने सोचा, और विकल्प चुनाव लड़कर जीतकर किया जा सकता है ये उम्मीद आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल ने जगाई। इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन चुनावी जीत के बाद के तौर तरीके उसी गवर्नेंस में खो गए जिस गवर्नेंस में पद पर बैठकर खुद को सेवक मानना था, वीआईपी लाल बत्ती कल्चर छोड़ना था, जन सरकार में खुद को तब्दील करना था। तो बदला कौन? जनता तो जस की तस है, आंदोलन के लिए जमीन भी बदली नहीं है, सिर्फ
आंदोलन की पीठ पर सवार होने की सोच ने सत्ता की लड़ाई में हर किसी को फंसा दिया। इसीलिए चुनाव आम आदमी पार्टी हार रही है और हार की खीस आंदोलन को परफ्यूम मान रही है। और केजरीवाल हो या कुमार विश्वास, बार बार सत्ता की जमीन पर खड़े होकर आंदोलन का रोना रो रहे हैं। आंदोलन की जमीन पर सत्ता का रोना या सत्ता की जमीन पर आंदोलन का रोना, चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं उस दौर में जिस दौर में रेडीमेड आंदोलन की जमीन तैयार थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो जमीन बनानी है। इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी फंसी है और शायद इसीलिए आंदोलन का इंतजार देश कर सकता है, केजरीवाल का नहीं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। और सबने ये तय करना है, जब तक जन लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक ये ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे हम। ये 2011 की तस्वीर है और याद कीजिए, कांग्रेस के दौर के घोटालों ने रामलीला मैदान को रेडीमेड आंदोलन की जमीन दे दी थी, यानी लोगों में गुस्सा था, जनता विकल्प चाहती थी। तब बीजेपी लड़खड़ा रही थी और चुनावी राजनीति से इतर रामलीला मैदान बिना किसी नेता के आंदोलन में इसलिए बदल रहा था क्योंकि करप्शन चरम पर था और तब की मनमोहन सरकार ही कटघरे में थी और उस वक्त मांग उच्च पदों पर बैठे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ जन लोकपाल की नियुक्ति का था। तब रामलीला मैदान की भीड़ को नकारने वाली संसद भी झुकी थी और लोकपाल प्रस्ताव पास किया गया। तो हालात ने रामलीला मैदान के मंच पर बैठे लोगों को लीडर बना दिया और यही लीडरई आम आदमी पार्टी बनाकर चुनाव जीत गई। लेकिन मौजूदा सच यही है, लोकपाल की नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, रोजगार का सवाल लगातार बड़ा हो रहा है, कश्मीर के हालात बिगड़े हुए हैं, किसानों की खुदकुशी कम हुई नहीं है, पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है, यानी मुद्दे अपने अपने दायरे में सुलझे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के तरीकों को मत रही है और मुद्दों के आसरे चुनाव जीतने की सोच में बीजेपी से आगे आज कौन हो सकता है, जिसके अध्यक्ष अमित शाह बूथ लेवल पर संगठन बना रहे हैं, अभी से 2019 की तैयारी में लग चुके हैं, अगले 90 दिनों में 225 लोकसभा सीट को कवर भी करेंगे। तो चुनाव जीतने की ही होड़ में जब आम आदमी पार्टी जा घुसी है तो वो टिकेगी कहाँ और जनता डुप्लीकेट को जिताएगी क्यों? यानी आम आदमी पार्टी के भीतर का झगड़ा सिर्फ चुनावी हार से पैदा हुआ झगड़ा भर नहीं है, बल्कि आंदोलन की राजनीतिक जमीन को गंवाना भी है, वैचारिक तौर पर खोखलापन हावी होना भी है और जिसके भरोसे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक साख मिली वो खत्म हो चली है। लेकिन समझना यह भी होगा, देश में आंदोलन की जमीन जस की तस है। नया सवाल ये हो सकता है कि गैर चुनावी राजनीति से इतर किस मुद्दे पर नया आंदोलन कब कहां खड़ा होगा और फिर वहां से कौन निकलेगा? जाहिर है ये एक सवाल है, चुनाव से इतर यानी चुनावी राजनीति से इतर आंदोलन की जमीन इस देश में कौन बनाता है? उन मुद्दों के आसरे देश के साथ और या कहें उस आंदोलन की जमीन के साथ देश के अलग अलग मुद्दे लोगों के साथ कैसे जुड़ते चले जाएंगे? इंतजार कीजिए, बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सियासत इस दौर में राजनीतिक सत्ता के आसरे बहुत कुछ अपने तरीके से मड़ भी रही है, लेकिन आगे कदम बढ़ाइए और दिल्ली से इतर देश दुनिया की दिशा में बढ़ेंगे तो भारत ने फिर सबूत पेश किए हैं, पाकिस्तान नहीं मान रहा है। मतलब क्या है इसका? रोजा नाले में खून के निशान मिले, खून का मिलान जवानों के खून से किया गया, जो पाकिस्तान से आए थे वो उधर ही वापस लौट गए, पुख्ता सबूत है यह हरकत पाकिस्तान की सेना ने की। तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बसित को बुलाकर भारत ने बकायदा सबूत दिए कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों के शव के साथ बर्बरता की। खून के नमूने हैं जो हमारे सिपाहियों के हैं, खून के नमूने उनसे, और जो खून की जो निशानदेही है, जो निशानी वहाँ पे ज़मीन पर है, उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा पार करके वापस चले गए। और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये घटना, ये हत्या पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने करी है। भारत का कहना है उसके पास और भी सबूत हैं कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने सोमवार को एलओसी पार कर पुंछ में आर्मी और बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया और शहीद दो जवानों के सिर काटे। तो क्या भारत के सबूत को पाकिस्तान मानेगा या फिर सबूतों की ये फेरिस्त भी अतीत के डोजियर की तर्ज पर सिर्फ सौंपने की औपचारिकता से आगे बढ़ नहीं पाएगी?
क्योंकि याद कीजिए सबूत भारत ने हर बार सौंपे, चाहे वो मुंबई हमला हो या उरी हमला या फिर पठानकोट हमला, लेकिन सबूतों को कभी पाकिस्तान ने माना नहीं, ये दूसरा सच है। और आलम यह कि पठानकोट एयरबेस हमले के संबंध में तो अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ एनआईए को 1000 पन्नों का डोजियर भी सौंपा, जिसमें जैश ए मोहम्मद के हैंडलर कासिम जान और चार फिदाइन के बीच हुई बातचीत का भी ब्यौरा था, लेकिन किसी सबूत को पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। और आज भी जब पाकिस्तान हाई कमिश्नर को सबूतों की जानकारी दी गई तो ये सवाल अनसुलझा ही रहा कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो भारत आगे क्या करेगा। इसका एक जवाब तो सेनाएं देंगी, वो जरूर देंगी और जल्दी ही देंगी। तो क्या इंतजार सभी को कार्रवाई का है, क्योंकि सबूतों के खेल से भारत को कुछ हासिल हुआ नहीं है और होगा यह भी मुश्किल है। मसला सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा पार से सीज फायर को तोड़ना, भारतीय जवानों को मारना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना यह है, लेकिन इससे इतर कश्मीर के भीतर के हालात उसे भी टटोल लीजिए। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर की सीएम दिल्ली पहुंची, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जम्मू पहुंचे, फिर राम माधव महबूबा मुफ्ती से मिलने जम्मू से श्रीनगर पहुंचे, फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर दिल्ली पहुंचे, फिर सेना अध्यक्ष कश्मीर पहुंचे। और इसी दौर में सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने 2 जवानों के शवों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, तो घाटी के भीतर 5 आतंकी हिंसा में 3 बैंक के वैन भी लूट लिए गए। यानी 50 घंटे के भीतर या कहें इस महीने के हर दिन घाटी में आतंकवादी बंदूक की नोक पर बैंक वैन लूटते चले गए। सोमवार को कुलवाम में कैश वैन लूटने के दौरान 5 पुलिसकर्मियों और 2 बैंककर्मियों की हत्या भी कर दी गई। मंगलवार को बैंक से 65,000 लूटे गए तो आज पुलवामा में बंदूक की नोक पर 4 लाख रुपए लूट लिए गए। जो यहाँ लोग जो अपना अमानत जमा करते हैं बैंक में, उसकी हिफाजत के लिए निकले थे, और इस तरह से इनको बेदर्दी से कत्ल करना, मुझे लगता है कि ये हमारे कौम की इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती है। तो कश्मीर को लेकर बैठकों के तमाम दौर के बीच कश्मीर के हालात कितने बदतर हैं, यह सीएम की बेबसी से दिखाई भी दे रहा है। तो क्या फैसला अब दिल्ली को करना है, क्योंकि घाटी के हालात पर सलाह मशविरा के बाद सारी जानकारी दिल्ली को हो चुकी है, और सवाल वादी के भीतर आतंकी हिंसा के साथ साथ अब सीमा पर पाकिस्तानी हरकत का भी है। देश में गुस्से का उबाल है, दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की सोच बिल्कुल अलहदा है। आप कितनी भी कार्रवाई करें वो भी कार्रवाई करेंगे, नतीजा ये रहेगा यहाँ भी लोग मरेंगे वहाँ भी लोग मरेंगे, वो रास्ता नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमने रास्ता ढूंढना है तो पाकिस्तान से बात करने के सिवा कोई रास्ता है नहीं। तो क्या दिल्ली और कश्मीर की सोच अलग अलग है, लेकिन कश्मीर के बिगड़े हालात में सबसे ज्यादा मुश्किल उन कश्मीरियों की हो चली है जिनकी जिंदगी काम न मिलने पर रोजी रोटी की मुश्किल में जाकर फंस चुकी है। कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है, खासकर जो टूरिज्म के ऊपर है वो बेकार है। तो मुश्किल हालात से कश्मीरियों को निजात कब कैसे मिलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि सलाह मशविरा के बाद फैसला दिल्ली को लेना है। श्रीनगर का ये प्रसिद्ध डल झील मई के महीने में अक्सर पर्यटकों की रौनक से गुलजार रहता है, लेकिन अब की बार यहाँ पर्यटक नदारद है। वजह साफ है, कश्मीर में हर रोज बढ़ता तनाव। 2016 की ही तरह 2017 में भी कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। उस बीच पिछले 72 घंटे में 5 वारदातें कश्मीर में हुई, हथियार लूटे गए, बैंक भी लूटे गए। उस बीच राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं हाथ तो खड़े कर रखे हैं और उसकी निगाहें भी आम लोगों की तरह केंद्र सरकार पे ही टिकी हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं, और आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर में 160 आतंकवादी सक्रिय हैं जो लोकल हैंडलर्स के आदेशों के मुताबिक काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय 55 आतंकी कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकी कैंप पीछे चले गए थे वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, और 20 नए आतंकी कैंप इस वक्त बनाए।
जिक्र जमान जवानों का भी हो रहा है और किसानों का भी हो रहा है, और इन सब के बीच लाल बहादुर शास्त्री हर किसी को याद आएंगे। लेकिन जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि जवानों के नाम आते ही देश में उबाल और किसानों के नाम पर खामोशी क्यों। एक तरफ शहीद हुए दो जवान प्रेम सागर और परमजीत सिंह, और दूसरी तरफ खुदकुशी कर चुके चार किसान नितिन बिरारी, सुनील देवड़े, भगवान गवित और अमिता चौहान। जी, सरहद पर दो किसानों की शहादत और पश्चिमी महाराष्ट्र में चार किसानों की खुदकुशी, वह भी बीते 36 घंटों के भीतर। और यह सिर्फ नाम है, लेकिन देश का सच यह भी कि जवानों की शहादत का सिलसिला न थम रहा है, न ही किसानों की खुदकुशी का सिलसिला इस देश में थम रहा है। देश में उबाल है कि जवानों के शव के साथ पाकिस्तानी सेना ने छेड़छाड़ की, और जिस तरीके से आतंकी घटनाओं से लेकर सीमा पर सीजफायर उल्लंघन के बाद देश में जवान शहीद हो रहे हैं, तो देश में उबाल जायज है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि कर्ज और भूखमरी की हालत में हर 6 घंटे में एक किसान देश में किसी न किसी हिस्से में खुदकुशी कर रहा है, और उबाल कहीं नहीं बल्कि खामोशी पूरे देश ने ओढ़ रखी है। और सच यह भी है कि 2011 से 2017 के बीच आतंकवादी वारदातों की बात हो या फिर नक्सली घटनाओं की बात, जितनी बड़ी तादाद में जवान शहीद हुए उससे कई गुना ज्यादा की तादाद में इस देश में किसानों ने खुदकुशी कर ली, वह भी सिर्फ एक बरस के भीतर, ये आंकड़े बतलाते हैं। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, एमपी समेत देश के हर हिस्से में किसान और कृषि मजदूरों के खुदकुशी करने का सिलसिला जारी है। स्क्रीन पर जो आंकड़ा है वह 2015 का है। किसान कभी फसल बर्बाद होने से खुदकुशी करता है, कभी कर्ज के चंगुल में फंसने से, यानी मुश्किल जवान के परिजनों के सामने भी और किसानों के सामने भी। मुंह तोड़न का जवाब देना चाहिए उनके, हमारे पापा की इतनी हमारे लिए शहीदी, मुझे अपने पापा पे पूरा गर्व है। बाकी 2-3 साल से पक ही नहीं रहा, इस वजह से उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो क्या जवानों और किसानों को लेकर देश संवेदनशील है, खास तौर से तब जब किसानों की शहादत को लेकर गुस्सा सड़क पर उबाल पर और परिजनों के आंखों में आंसू सूख नहीं रहे। एक सैनिक शहीद हो जाता है और हम कहते हैं कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, हम इनकी शहादत का बदला लेंगे, बदला कब लिया जाएगा। और दूसरी तरफ इन आंसू तले किसानों की बदहाली के लिए देश का आक्रोश फूटता नहीं, और देश के किसानों के हाल को समझे तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित एक मामले का जवाब देते हुए बहुत साफ कहा कि 2013 के बाद से हर बरस औसतन 12,000 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिकाकर्ता के उस दावे पर भी जवाब मांगा जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ 20% लघु और सीमांत किसानों तक ही पहुंच पाई है।